गुड मॉर्निंग गाइस, शिवम शुक्ला बैक विद द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो पे चर्चा होगी कि आखिर स्मार्ट कोच जो आया है रेलवे का, वो स्मार्ट क्यों है। रेलवे का जो स्मार्ट कोच है वो क्यों स्मार्ट है, क्या फीचर्स इसे स्मार्ट बनाते हैं। अगर आप सब लोग चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर और फिर इस घंटे को दबाकर आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का एक सीधा सा आंसर है, ये स्मार्ट कोच खुद बताता है कि उसके अंदर क्या कमी है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे ने अपना पहला स्मार्ट कोच दे दिया है, LHB-5 स्मार्ट कोच है। और जो कलर है इंटीरियर और एक्सटीरियर का वो भी सेम है। 3rd AC टायर का ये पहला स्मार्ट कोच आया है। और ये अभी कौन सी ट्रेन में लगा ये तो मेरे को नहीं मालूम है, पर इंडियन रेलवेज ने कहा है वो 100 और ऐसे स्मार्ट कोचेस बनाकर देगा। ये जो स्मार्ट कोचेस बनकर आए हैं ये रेलवे का 12 से 14 लाख रुपए पर बोगी का सेव करेंगे। जो हर एक मतलब टाइम पीरियड होता था कि उस टाइम पीरियड पे हर एक बोगी को चेक किया जाता था, जो कमी थी वो कंप्लीट की जाती थी उन बोगीज के अंदर। तो उसमें क्या होता था कि वो टाइम पीरियड था कि अगर 5 साल का टाइम पीरियड तो 5 साल में ही पता चलता था क्या हुआ। यहाँ पर अगर 2 महीने में कोई चीज़ ख़राब हो रही तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि ऐसे ख़राब हो रही है, तो वो जल्दी रिप्लेस की जा सकेगी। इसलिए 12-14 लाख जो पैसा बचेगा रेलवे की वो कहीं और इस्तेमाल होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी स्मार्ट कोच स्मार्ट क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये खुद बताते हैं इसके अंदर क्या खामियाँ हैं। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंस्टॉल किया जा गया है। AC इंडिकेटर्स हैं, यानी AC वाले सेंसर्स हैं। AC सेंसर्स क्या बताएंगे, कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है अंदर बोगी के अंदर, और अगर AC गलत काम कर रहा है, AC सही प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो AC अटेंडेंट के पास मोबाइल में मैसेज आएगा, ऐसा इंडिकेटर लगाया गया है। फायर डिटेक्शन सिस्टम है, अगर आग लगने वाली है तो उससे पहले ही अलार्म बजने लग जाएगा कि हाँ बोगीज में आग लगने वाली है, बहुत पहले, 1-2 मिनट पहले नहीं, बहुत पहले ही बच जाएगा, ऐसा इन्होंने एक सिस्टम लगाया है। अलार्म सिस्टम जो मैंने आपको बता दिया, इन्होंने एक वाटर इंडिकेटर लगाया है। जैसे कि ट्रेन अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, ट्रेन का जो लेवल है वो कम हो गया, तो वाटर इंडिकेटर जो लगा है इसके अंदर वो GPS बेस्ड है, यानी अगर पानी कम है तो अगले स्टेशन पे जो पानी भरते हैं बोगीज में उनके पास मैसेज चला जाएगा कि ये ट्रेन यहाँ पर आ रही है और इस ट्रेन की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो अभी ज़्यादा है, तो इसमें पानी भर दिया जाए, वाटर लेवल कम हो चुका है। ये इसके अंदर एक खासियत है। जो एक्सल होता है और जो व्हील होता है उस पर भी इन्होंने एक सेंसर लगा दिया है, जो अगर जो व्हील है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है या व्हील में कोई ख़राबी है या कोई टेक्निकल फॉल्ट है, वो आपको ये पहले ही मोबाइल पे मैसेज करके बता देगा सेंसर। ये सब है। CCTV कैमराज हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में CCTV कैमरा हैं इसके अंदर। मॉनिटर ब्रेक सिस्टम है, यानी अगर ब्रेक ख़राब हो जाता है तो पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ब्रेक ख़राब हो गया है, मतलब ब्रेक ख़राब होने वाला है, उससे पहले आपको सेंसर बता देगा कि ब्रेक ख़राब होने वाला है, आप अपने हिसाब से चलेंगे। तो यही सब कुछ खूबियां हैं जो इसे अलग करते हैं बाकी सब कोचेस से। स्मार्ट कोच यही है इंडियन रेलवेज का स्मार्ट कोच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 100 स्मार्ट कोच ये लोग लेकर आ रहे हैं वो इंडियन रेलवे को पूरी तरह से बदल देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शिवम शुक्ला साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर 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 सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।